16 के तीसरे हिस्से में हम देखेंगे सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट्स और फिर कुछ एप्लीकेशंस एसी सर्किट की, जिसके अंदर थ्री फेज एसी सप्लाई, मेटल डिटेक्टर्स, फाइनली हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं और उनको हम मॉड्यूलेट कैसे कर सकते हैं। सीरीज रेजोनेंस एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें एसी सोर्स के साथ एक कैपेसिटर, एक इंडक्टर और एक रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होता है। इस एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, कैपेसिटर की रिएक्टेंस 1/ωC और इंडक्टर की रिएक्टेंस ओमेगा एल है। हम इस एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू से हम इसको बढ़ाते हैं और इस सर्किट का बिहेवियर देखते हैं। जब हम फ्रीक्वेंसी कम से ज़्यादा करते हैं तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा से कम होती है, ये फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और इंडक्टिव रिएक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैपेसिटिव कम हो रही है, इंडक्टिव ज़्यादा हो रही है, तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आएगी, बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर, जिसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिस पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस के एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगी। इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैं इस इक्वेशन से निकाल सकती हूँ, 1/ωC इज इक्वल टू ओमेगा एल पुट करूँ, ओमेगा की ये रेजोनेंट वैल्यू है, ये आएगी हमारे पास 1/√LC और ओमेगा बराबर होता है 2πf के, तो यहाँ से मैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाल सकती हूँ 1/2π√LC। इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे सर्किट किस तरह बिहेव करेगा, इसको देखने के लिए हम इस ग्राफ को देखते हैं, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ये हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं सर्किट की और करंट किस तरह इस सीरीज सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है। हम देखते हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर करंट एकदम से ज़्यादा हो जाता है और फिर उसके बाद दोबारा से अपनी वैल्यू पे आ जाता है। ये करंट में स्पाइक क्यों आती है, इसलिए कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाती हैं और ये एक दूसरे का असर कैंसिल कर देती हैं, तो कैपेसिटर का इफेक्ट इंडक्टर कैंसिल आउट कर देता है और हमारा सर्किट इस तरह एक्ट करता है जैसे उसमें सिर्फ रेजिस्टर लगा हुआ हो। इसकी अगर हम पावर कैलकुलेट करना चाहें तो पावर करंट और वोल्टेज के पैरेलल कंपोनेंट से कैलकुलेट की जाती है, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करके, और इनकी हम आरएमएस वैल्यूज लेते हैं। कॉस थीटा इस पॉइंट पे 1 हो जाएगा क्योंकि जब रेजिस्टर होता है तो करंट और वोल्टेज दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, कुछ भी आउट ऑफ फेज नहीं रहता। जो आउट ऑफ फेज कंपोनेंट्स थे कैपेसिटर और इंडक्टर की वजह से, वो एक दूसरे को कैंसिल करें, तो मेरी पावर फैक्टर मैक्सिमम होगा, आईआरएमएस वीआरएमएस के इक्वल होगा। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में एक एसी सोर्स के साथ हम कैपेसिटर और इंडक्टर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, बाकी सब कंडीशन सेम रहती हैं। एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस उतनी ही है और हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी उसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं जैसे सीरीज में की थी, 1/2π√LC। इस सर्किट का बिहेवियर करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी इस तरह का होता है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर करंट में एक डिप नज़र आती है। इसकी क्या वजह है, सीरीज में जब रिएक्टेंसेज इक्वल एंड ऑपोजिट थी तो वो एक दूसरे को कैंसिल करी थी और पैरेलल में वो एक दूसरे का असर एनहांस क्यों कर रही हैं। इसकी वजह यह है कि सीरीज सर्किट के अंदर करंट के पास एक ही पाथ थी, करंट ने उसी पाथ में से गुजरना था। इस सर्किट में से जब करंट गुजरता है तो क्या होता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है वोल्टेज को और इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग कर रहा होता है, मगर इस करंट के पास एक ही पाथ है, जिसकी वजह से जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे इनकी रिएक्टेंसेज इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाती हैं तो ये एक दूसरे के असर को मुकम्मल तौर पे कैंसिल आउट कर देते हैं। अगर कैपेसिटर ज़्यादा करंट खींचता है तो इंडक्टर उस करंट के फ्लो को अपोज करता है उतना ही, क्योंकि उसकी रिएक्टेंस इक्वल एंड ऑपोजिट होती है। तो ओवरऑल सर्किट में ऐसा होता है जैसे ये कैपेसिटर और इंडक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और हमारा सर्किट सिर्फ रेजिस्टिव रह जाता है। पैरेलल सर्किट के केस में करंट के पास दो पाथ्स होती हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर जब कैपेसिटर और इंडक्टर की रिएक्टेंसेस इक्वल एंड ऑपोजिट होती हैं तो करंट लीड कर रहा है कैपेसिटर के केस में, कैपेसिटर सारा करंट खींच लेता है शुरू में, फिर जब कैपेसिटर के ऊपर करंट की वैल्यू मिनिमम होती है तो इंडक्टर के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू करंट इंडक्टर खींच लेता है और इक्वल एंड ऑपोजिट करंट ये दोनों खींचते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जिसकी वजह से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर ओवरऑल करंट में हमें डिप नज़र आती है और सीरीज के अंदर हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर पीक नजर आती है, क्योंकि रिएक्टेंसेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, करंट के पास एक ही पाथ है।
अगर हमारे पास पैरेलल रेजोनेंस सर्किट हो जिसमें एक इंडक्टर और कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं एसी सोर्स के साथ, तो हम इसकी मदद से मेटल डिटेक्टर्स बना सकते हैं। इन दोनों सर्किट्स की एक फ्रीक्वेंसी है, हमारे पास दो पैरेलल सर्किट्स हैं ए और बी, ए की एक फ्रीक्वेंसी है और बी की एक फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर वो ऑपरेट कर रहा है। इसको हम एफ ए कह देते हैं, इसको हम एफ बी कह देते हैं। इसके इन दोनों के साथ एडिशनल सर्किटरी लगी हुई है और बेसिकली आगे जाके एक ऐसा कंपोनेंट है जो इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर करता है। अगर एफ ए एफ बी के बिल्कुल बराबर हो तो हमें कोई बीट सुनाई नहीं देती, मगर अगर एफ ए एफ बी से थोड़ी सी मुख्तलिफ हो तो हमें बीट सुनाई देती हैं। जब हमें बीट्स की आवाज़ आती है, इसका मतलब है कि दोनों की फ्रीक्वेंसीज मुख्तलिफ हो चुकी हैं। जब हम इसमें से एक कंपोनेंट को किसी एक्सटर्नल मेटल के करीब लेके आते हैं, कोई एक्सटर्नल मेटल है ये, तो इसकी इंडक्टेंस चेंज हो जाती है। ये उस मेटल के साथ इंडक्टिवली कपल कर लेता है और इसकी अपनी इंडक्टेंस थोड़ी सी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से अपनी इसकी फ्रीक्वेंसी एफ बी थोड़ी सी चेंज हो जाती है और फिर हमें बीट्स की आवाज़ आना शुरू हो जाती है जो कि हम मेटल डिटेक्टर की सायरन की शक्ल में हम सुन सकते हैं। तो यूं हम मेटल्स डिटेक्ट कर सकते हैं ज़ेरे ज़मीन, या अगर किसी जगह पर मेटल्स लेके जाना अलाउड ना हो तो उसके डोरवे के ऊपर भी हम इस एप्लीकेशन से मेटल्स डिटेक्ट कर सकते हैं। हमने देखा था एसी जनरेटर के अंदर एक कॉइल की मदद से हम एसी करंट जनरेट करते हैं। जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है उसमें इस तरह के तीन कॉइल्स लगे होते हैं। हम इसको यूं रिप्रेजेंट करते हैं, हम एक कॉइल को एक स्प्रिंग से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये असल में एक कॉइल है, इसकी जगह मैं एक यूं करके कॉइल ड्रॉ कर सकती हूँ, तो वो ज़्यादा करीब होगा हकीकत के। इसका एक टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल है, इनके एक टर्मिनल सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर एक और कॉइल होगा इस तरह का, इसका दूसरा टर्मिनल इधर है और एक तीसरा कॉइल है। ये सब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पड़े हुए हैं, इन सब के ऊपर हम मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करके इनको रोटेट कराते हैं और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इस इन कॉइल्स के जो एक टर्मिनल है जो सबका कॉमन है उसको हम ग्राउंड कर देते हैं, ये जीरो पोटेंशियल के ऊपर है। और जीरो के रेफरेंस से अब अगर हम इस जनरेटर को देखें तो इसके दो कॉइल हैं, एक जीरो पे है और दूसरा कॉइल हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। कितनी? 230 वोल्ट्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 230 वोल्ट्स प्रोवाइड करेगा। इन सब में से ये तीनों जनरेटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें 230 वोल्ट्स प्रोवाइड करेंगे और तीसरा भी 230 वोल्ट्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी तीनों में से किसी भी एक कॉइल को के दो टर्मिनल्स के बीच में वोल्ट मीटर कनेक्ट करो तो 230 वोल्ट्स रीडिंग्स आएगी। मगर अगर हम इन में से किसी दो जनरेटर के इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में देखें तो हमारे पास रीडिंग आएगी 400 वोल्ट्स। इसी तरह इन दोनों के बीच में रीडिंग आएगी 400 वोल्ट्स, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंबाइन हो जाएगी आपस में, इनका रिलेटिव जो वोल्टेज डिफरेंस है वो 400 वोल्ट्स है। इस तरह हम इसको हम कहते हैं थ्री फेज एसी सप्लाई, और ये तीनों जनरेटर का आपस में फेज डिफरेंस होगा। फर्स्ट से जो वोल्टेज हमें मिल रही है वो अगर वी नॉट साइन ओमेगा टी है तो ये वी वन है, वी टू इससे आउट ऑफ फेज है। ओमेगा टी प्लस इसका फेज डिफरेंस कितना होता है? 120 डिग्रीज। 120 डिग्रीज का फेज डिफरेंस होगा इसमें, और जो हमारा तीसरा वाला वोल्टेज होगा उसमें मजीद टू 240 डिग्रीज का फेज डिफरेंस होगा। तो ये सब ये तीनों वोल्टेजेस इन फेज नहीं है, तीनों आउट ऑफ फेज हैं, इसलिए इस तरह की एसी सप्लाई को थ्री फेज एसी सप्लाई कहते हैं। हमारे घर में तीन फेजेस आ रहे होते हैं, और इसका फायदा क्या होता है कि एक तो हमें 400 वोल्ट्स तक हाई वोल्टेज मिल जाती है अगर हमने कोई बहुत हाई वोल्टेज इक्विपमेंट सब ऑपरेट करना हो, और इसके अलावा अगर एक फेज खराब हो जाए तो दूसरे दो फेजेस से बिजली आती रहती है, या अगर हम बहुत हैवी लोड कनेक्ट करते हैं तो एक जनरेटर ब्रेक डाउन हो सकता है, तो दो जनरेटर मिलके उसका लोड बर्दाश्त कर लेते हैं। एसी हैज रिप्लेस डीसी इन आवर होम्स बिकॉज एसी कैन बी ट्रांसमिटेड इकोनॉमिकली। ये ऑप्शन ठीक है, क्योंकि
क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्मर्स में पढ़ा था कि हम लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर हाई वोल्टेज के ऊपर हाई वोल्टेजेस ट्रांसफर करना चाहते हैं बजाय इसके कि हम हाई करंट्स करें, क्योंकि हमारे लॉसेस कम होते हैं हाई वोल्टेज के केस में। इसके लिए हम एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं सेंडर के साइड पे, जो कि वोल्टेज को लो टू हाई कन्वर्ट कर लेता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दूसरे एंड पे हाई टू लो वोल्टेज कन्वर्ट कर देता है। ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, दो इंडक्टर होते हैं, और इंडक्टर सिर्फ एसी करंट के केस में कपल कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। एक के अंदर जो चेंजिंग करंट होता है वो दूसरे के अंदर ईएमएफ जनरेट कर सकता है। डीसी करंट के केस में हम ट्रांसफार्मर इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए इसका करेक्ट जवाब ए है, डीसी इज मोर सेफ। डीसी और एसी दोनों करंट होते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, उनमें सिर्फ डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड का फर्क होता है, वरना उनका असर एक जैसा होता है। प्रोडक्शन ऑफ डीसी इज मोर, प्रोडक्शन कॉस्ट को इतनी ज्यादा नहीं होती, हम सिंपल एक रेक्टिफायर यूज करके उसको एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एसी कैन बी प्रोड्यूस इजीली, हाँ एसी सबसे ज्यादा आसानी से प्रोड्यूस किया जा सकता है, मगर डीसी की कॉस्ट भी कोई इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही है। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट था जिसने ये थ्योरी पेश की कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कराऊं जो चेंज हो रही है, मसलन एक एंटेना के केस में एक एसी सोर्स के साथ एक वायर कनेक्टेड होती है, और उस वायर में से इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे मूव कर रहे होते हैं, सिर्फ मूविंग चार्जेस होते हैं इस वायर में, और वो मूविंग चार्जेस के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होती है तो वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, उसके बाहर एक रीजन आता है जहां पर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और फिर जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है तो वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड दोबारा से प्रोड्यूस करती है, और यूं ये वेव जो मैंने जनरेट की इस एंटेना में ये आउटवर्ड स्प्रेड होती जाती है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेशन। वेव प्रोपेगेशन क्यों होती है, इस प्रिंसिपल की वजह से कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होती है, फिर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड दोबारा से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही होती है। इसी प्रिंसिपल की वजह से रेडियो वेव्स प्रोपेगेट होती हैं। ये एंटेना रेडियो वेव्स जनरेट कर रहा है, और ये वेव्स फिर आउटवर्डली ट्रैवल करती हैं, और दूसरे एंड पे एक एंटेना हो तो हम उससे ये वेव्स कैच कर सकते हैं, दोबारा से इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके सुन सकते हैं कि क्या साउंड सिग्नल था। ऐसी सब वेव्स जो इस तरह प्रोपेगेट करती हैं इस प्रिंसिपल के ऊपर, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, और एक पूरी फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसके ऊपर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पाई जाती हैं, जो एक एंड पे रेडियो वेव्स जो मीटर्स में होती है से लेकर गामा रेस तक जाती हैं, जो 10^-12 मीटर्स की रेंज में होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ये रेडियो वेव से शुरू होता है एक एंड पे, और फिर रेडियो वेव के बाद इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड के बाद एक ऐसी रेंज आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो कि हमें अपनी आंखों से नजर आती है, उसको हम लाइट कहते हैं, उसको हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं, और उसके अंदर भी मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं, रेड ऑरेंज येलो, ये पूरी जो रेनबो के कलर्स हैं ये बेसिकली लाइट की मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मुख्तलिफ वेवलेंथ्स हैं, और इन सबको अगर कंबाइन करें तो हमें वाइट लाइट नजर आती है। फिर हाई फ्रीक्वेंसी पे कौन सी है, वॉयलेट रेज, वॉयलेट से जो ऊपर होती हैं उनको हम अल्ट्रा वॉयलेट कहते हैं, और रेड से जो नीचे होती हैं उनको हम इंफ्रा रेड कहते हैं। अल्ट्रावॉयलेट, फिर एक्स रेज, हर रेंज की अपनी कुछ एप्लीकेशंस हैं। मसलन रेडियो वेव से हम रेडियो ट्रांसमिट करते हैं, इंफ्रारेड की कुछ एप्लीकेशंस हैं, जिसकी एक एप्लीकेशन ये है कि इंफ्रारेड की मदद से नाइट विजन गॉगल्स बनाई जाती हैं। हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसमिट करती है, प्रोड्यूस करती है, मगर ये वेव्स इंफ्रारेड रेंज में होती हैं, और अगर हम एक ऐसी ग्लासेस बना लें जो इंफ्रारेड को देख सकें तो हमें अंधेरे में लोग नजर आएंगे, क्योंकि वो ये वेव्स एमिट कर रहे होंगे। उसके बाद एक्सरेज हैं, एक्सरेज की मदद से हम हड्डियां वगैरह देख सकते हैं, गामा रेज हैं, उनकी अपनी एप्लीकेशंस हैं। अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है किसी भी वेवलेंथ पे, हम फर्ज करते हैं कि हमारी वेवलेंथ रेडियो वेव है, तो इसको ट्रांसमिट करने का या रिसीव करने का हमें कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी इसके ऊपर। किसी वेव के ऊपर इंफॉर्मेशन डालना, उस प्रोसेस को कहते हैं मॉड्यूलेशन, और ये जो हमारी वेव होती है जो लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर ट्रैवल कर रही होती है, इसको कहते हैं कैरियर वेव। तो हम क्या करते हैं कि हम एक कैरियर वेव लेते हैं, इसकी अगर हम ब्लॉक डायग्राम बनाएं तो कैरियर वेव्स होती हैं और इंफॉर्मेशन सिग्नल होता है। इंफॉर्मेशन सिग्नल भी एक वेव फॉर्म ही होती है। मसलन अगर आप एक
माइक में एक गाना रिकॉर्ड करें, उस साउंड वेव को अगर आप विजुअली देखें तो वो एक स्कैटर्ड सी वेव होती है, वो भी एक वेव फॉर्म होता है, तो उसको हम इन्फॉर्मेशन सिग्नल कह रहे हैं। इन्फॉर्मेशन सिग्नल को कैरियर वेव के ऊपर चढ़ाते हैं या हम दोनों वेव्स को मिक्स करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। और फिर उसके नतीजे में हमारे पास जो वेव आती है वो मॉड्यूलेटेड वेव होती है। और फिर उस मॉड्यूलेटेड वेव को हम डीमॉड्यूलेट करके रिसीवर पे सुनते हैं तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। मॉड्यूलेशन दो तरह की होती है, मेन टाइप्स तो हैं, बहुत सारी किस्मों की मॉड्यूलेशन होती है, डिपेंड करता है किस वेवलेंथ की हम बात करें, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है कि हम इस वेव कैरियर वेव को लें और उसके ऊपर अपने ये जो ऑडियो सिग्नल था फर्ज करें, इन दोनों को हम मिक्स करेंगे तो इस कैरियर वेव की शेप चेंज हो जाएगी, कभी इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा कभी कम होगा। और इस तरह के मॉड्यूलेशन को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। इसको मैं अगर रिसीवर के ऊपर एक एंटेना लगा के सुनूंगी तो फिर मुझे साउंड वेव में कन्वर्ट करके फिर मुझे वही वाला ऑडियो सिग्नल मिल जाएगा, रिसीवर के ऊपर यही वाला ऑडियो सिग्नल मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होती है कि मैं उसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं करूंगी कैरियर वेव का, मैं सिर्फ इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करूंगी, कभी इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी कभी इसकी फ्रीक्वेंसी लो होगी, उससे मुझे पता चलेगा कि क्या इन्फॉर्मेशन है और फिर मैं उस इन्फॉर्मेशन को डीकोड कर सकती हूँ रिसीवर के ऊपर।